सो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये नाम सुना आपने? एक्चुअली ये चार क्लासेस आर एज पर पीपल साइकोफिजिकल नेचर एंड ऑल द फोर आर रिक्वायर्ड टू रन द सोसाइटी. सिर्फ ब्राह्मणों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ क्षत्रिय से काम नहीं चलेगा, सिर्फ वैश्य से काम नहीं चलेगा, सिर्फ शूद्र से काम नहीं चलेगा. ऑल द फोर आर रिक्वायर्ड, ऑल द फोर ऑफ देम. अगर कुछ लोग बोलते हैं कि ना वेल ये तो कास्ट सिस्टम है, ये तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र. अच्छा इसको इंग्लिश में बोलता हूँ जरा मैं. देर इज प्रीस्टली क्लास, देर इज एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, देर इज मर्केंटाइल क्लास, एंड देन देर इज अ एग्जीक्यूशनर्स क्लास. अब ठीक है, हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात बोली आपने, बहुत बढ़िया बात बोली आपने, दिस सो नाइस. अच्छा इनको इसको हिंदी में बोलता हूँ. देखिए ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्र. देखो ये तो कास्ट सिस्टम की बात कर रहे हो आप लोग, जात पात की बात कर रहे हो आप लोग. ओके ठीक है ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलता हूँ. ठीक है, देर इज अ प्रीस्टली क्लास, देर इज एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, देर इज मर्केंटाइल क्लास, एंड देर इज एग्जीक्यूशनर्स क्लास. कहते हैं देखो ये तो बड़ी प्रैक्टिकल बात बोल दी आपने. एक्चुअली ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, एक्चुअली शूद्र शब्द है ना, इट हैज गॉट नेगेटिव कॉनोटेशन बिकॉज ऑफ द मूवीज. ये उसमें हमने देख लिया, अरे शूद्र तूने मुझे छू लिया, राम 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 राम, अरे चलो हम गंगा में स्नान करके आए, बिकॉज यू हैव सीन दिस काइंड ऑफ सिनेरियोस. और सती प्रथा, ये वो जात पात, ये हमने देखा हुआ है, ये हमने किताबों पढ़ा हुआ है. बट दिस इज अ डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ व्हाट हैपेंस इन द सोसाइटी. एक्चुअली ऑल द फोर आर रिक्वायर्ड एंड दे आर एवरीवेयर. इवन इन पाकिस्तान देयर आर ब्राह्मणिकल पीपल, देयर आर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, देयर इज अ बिजनेस क्लास, देयर इज एग्जीक्यूशनर्स क्लास. In USA, in Europe, in Japan, in China, in Russia, everywhere these four classes are there. क्योंकि ये four classes क्या है? As per my psychophysical nature. जिसका जो स्वभाव है वो वही काम कर पाता है. किसी ब्राह्मण को बोल दो भाई साहब थोड़े गमले उठा दो, गमले तो उठा देगा वो, गमले के साथ साथ उसकी कमर भी हिल जाएगी. फिर आयोडेस लगा रहा होगा, कहता है ये आपने गमले उठा दिए ना हमसे, ये नहीं होता हमसे. और किसी एग्जीक्यूशनर को बोल दो, द वन हु कैन डू फिजिकल लेबर, कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई करा दो लोगों का, अरे भाई किताबों वाला काम मत कराओ हमसे, कोई उठा पटक करनी हो बताओ अभी हम कर देंगे, कर देंगे. बिजनेस क्लास पीपल, उसको बोल दो सैलरी, कहता है अरे यार ये सैलरी वैलरी से अपना काम निकलता है यार, हमें गड्डियाँ चाहिए होती हैं, थोड़ा ऊपर अबव द टेबल, थोड़ा अंडर द टेबल, तो लाइफ में रोमांच रहता है, थोड़ा कोई खुफिया जगह हो वहाँ से भी कुछ पैसे निकले, कोई टॉयलेट में खोले वहाँ भी कुछ पैसे हों. कैसा लग रहा आपको? बताया सर बढ़िया है, बिजनेस क्लास. और कुछ लोगों से बिजनेस बिल्कुल नहीं होता, कहता है ये बिजनेस बिजनेस देखिए हमारा, हम 9 to 5 काम करें बस, पहली तारीख को हमारे अकाउंट पैसे आ जाए, हमें देखिए बस, और इससे ज़्यादा ये बिजनेस बिजनेस हमारे बस की बात नहीं है. इसीलिए 90% जो स्टार्टअप्स होते हैं ना फेल हो जाते हो, क्योंकि बिजनेस वाली बुद्धि तो होती नहीं है. फ्लॉप, कहते नहीं यार चलो बिजनेस करेंगे हम, रेस्टोरेंट खोलेंगे हम. शुरू शुरू में कुछ लोग आए ट्राई मारने के लिए, जब उसने देखा भाई ये तो कुछ हुआ नहीं, खत्म. गारमेंट्स की दुकान खोली थी, वही पुराने फैशन के कपड़े रखे हुए थे, खत्म. सो एवरी पर्सन हैज गॉट देयर ओन साइको फिजिकल नेचर. और साथ ही इसमें एक और बात आती है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण होता है, वैश्य होता है या शूद्र होता है. क्या कोई जन्म से ब्राह्मण हो जाता है, जन्म से क्षत्रिय, जन्म से ही वैश्य या जन्म से ही शूद्र, ऐसा होता है क्या कि जो चतुर्वेदी है, त्रिवेदी है, द्विवेदी है, ये ब्राह्मण है और जो खत्री है वो क्षत्रिय हैं. भले वो गमला उठाते हैं तो उनके कमर में दर्द होता है लेकिन वो क्षत्रिय हैं, और जो बंसल हैं वो गोयल हैं, वो वैश्य हैं और बाकी सब शूद्र हैं. क्या ऐसा होता है? क्या कोई जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है, ऐसा होता है? वेल इस बारे में भगवद्गीता भला क्या बोलती है? भगवद्गीता बोलती है चतुर्वर्ण मया सृष्टम, यानी कि जो चार प्रकार के वर्ण है जो कि भगवान ने बनाए हैं, मया सृष्टम मैंने बनाए हैं. किस हिसाब से बनाया है भगवान ने? भगवान ने बनाया है किस हिसाब से? गुणों के हिसाब से और कर्म के अनुसार. चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, विभागश विभाग कैसे हुआ वाला सोसाइटी में, गुणों के आधार पे और कर्म के आधार पे. यानी कि हो सकता है कि किसी बच्चे का जन्म किसी परिवार में हुआ लेकिन उसकी प्रोक्लिविटी, उसके अंदर जो इंक्लिनेशंस हैं, उसका जो साइकोफिजिकल नेचर है इज दैट ऑफ एन एजुकेटर, पढ़ाने लिखाने वाले का है, या फिर एज अ प्रीस्ट. That means this person is brahmanical in nature. तो उसको training दे करके ब्राह्मण बनाया जाएगा. अगर बच्चे की बचपन से proclivity है to be an administrator, a manager, तो फिर उसको वैसी training दे करके उसको manager बनाया जाएगा. तो training दे करके व्यक्ति का उत्थान होता है कि उसकी बचपन से उसकी proclivities कैसी हैं, उसका रुझान कैसा है, जन्म के आधार पे नहीं. ना ना ना, ये होता है गुण
कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पर ये सोसाइटी का डिवीजन होता है। और ये सोसाइटी का डिवीजन, ये प्रोक्लिविटीज, ये रुझान, ये साइकोफिजिकल नेचर, ये अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, चाइना में, जापान में, इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सब जगह मिलेगा। सो दैट इज व्हाट वी हियर अबाउट कि एक समाज में एक समय जाति प्रथा थी, फिर राजा राम मोहन राय और ऐसे कई सोशल रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने समाज का बड़ा उद्धार किया। वेल, उस वक्त जो चल रहा था, इट वॉज अ डिस्टॉर्टेड वर्जन, एक विकृत रूप था हमारी संस्कृति का। लेकिन वास्तव में पहले ऐसा हुआ करता था, जिसका जैसा कर्म और गुण के अनुसार जैसा साइकोफिजिकल नेचर है, वैसा ट्रेनिंग देकर के उसको ब्राह्मण की ट्रेनिंग या क्षत्रिय की ट्रेनिंग या वैश्य की ट्रेनिंग एक्सेट्रा उसको दी जाया करती थी। तो इसीलिए जाति प्रथा कभी भी हमारे वैदिक संस्कृति का हिस्सा नहीं रही है, इट वॉज नेवर। जिसका जैसा साइकोफिजिकल नेचर है, वैसा वैसा उसको आगे ट्रेनिंग दी जाती है। और आप देखो आजकल बच्चे कितने सफोकेट होते हैं, सबको इंजीनियर बना दिया जाए, तेरे को एंट्रेंस एग्जाम भरना पड़ेगा, कहता पापा लेकिन मेरा शाला, सबको इंजीनियर बनना है, सबको डॉक्टर बनना है। लेकिन वास्तव में ये प्रैक्टिकल नहीं है। हर बच्चे का अपना अपना एक साइकोफिजिकल नेचर होता है। दे आर चिल्ड्रन हु आर मोर एकेडमिक इन नेचर, दे आर चिल्ड्रन हु आर मोर एजुकेशन, दे आर मोर इन टू एजुकेशन, सम आर वेरी स्पोर्टी। तो इस तरह से हम देखते हैं हर बच्चे का अपना अपना एक स्वभाव है। तो ये साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से जब ट्रेनिंग मिलती है, तो जो प्रोफेशन एक्वायर करेगा वो खुश रहेगा उसमें। इसलिए आजकल ज़्यादातर बच्चे दुखी हैं, क्योंकि अपने साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से बेचारे पढ़ाई नहीं कर पाते, ट्रेनिंग नहीं ले पाते, सबको एक ही पाइपलाइन में घुसा दिया जाता है और बेचारे सफोकेट होकर फिर एक प्रोफेशन में जाते हैं, पापी पेट का सवाल। सो द पॉइंट इज दैट गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के अनुसार ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समाज में आए, ना कि जन्म के अनुसार, ऐसा नहीं है। सो व्हाट वी सी nowadays is happening, वैसे आजकल सिटी कल्चर में, बिकॉज वी सी ना तुम्हारे करिकुलम में ना स्कूल एजुकेशन में ये इसका हिस्सा है कि एक हमें स्पेशलाइज ट्रेनिंग देनी चाहिए हर बच्चे को। एंड दैट फेज वी सी कि आज समाज के अंदर उथल पुथल है। सो जाति प्रथा कभी भी हमारे भारतीय समाज का, हमारे इंडियन कल्चर का, वैदिक कल्चर का हिस्सा ना थी ना है। वट वी सी समटाइम्स इट वॉज अ डिस्टॉर्टेड वर्जन। सो गीता में इस बात की पुष्टि हो रही है, गुण कर्म विभागशः।